आइए विस्तार से आज की खबरों से रूबरू होते हैं। मिर्जापुर कछवा थाना अंतर्गत कछवा टाउन एरिया की कार्यमंडल समिति के लोगों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मोत्सव को बाइक रोड शो के द्वारा कछवा टाउन एरिया से निकलकर मंचवा में मंडल अध्यक्ष कुद्दूस सिंह के यहां जाकर समाप्त किया जाएगा। भैया जी आप तक बताइए कि आपका शुभ नाम आपका क्या नाम पड़ेगा? पृथ्वीनाथ तिवारी जी से हमारी बात हो रही है। पृथ्वीनाथ तिवारी जी आप ये कहाँ से था? ये मार्केट से मार्केट नगर से कहाँ तक जाएगा? ये मछुआ में जो है चल रहा है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। हाईवे पर एक हेड कांस्टेबल रामकार गिरी जो कि गोपीगंज थाने पर 100 नंबर डायल में बतौर सिपाही पद पर नियुक्त थे, जो रहने वाले बरेसर थाना मुगलसराय जिला चंदौली के थे, वे अपने विभागीय कार्य के लिए बाबूसराय आए थे। उसके बाद हाईवे पर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। मीडिया ने उनके भतीजे से बात की, आइए सुनते हैं। ये क्या नाम बता रहे थे? ओमकार गिरी है की रामकार गिरी? रामकार गिरी। अच्छा, रामकार गिरी जी वो गोपीगंज चौकी पे थे, थाने पे 100 डायल पे 22 बांध पे कार्यरत थे और उनकी डेड बॉडी आई है। यहाँ आपने देखा वो गाड़ी में लाश पड़ी है, जो डेड बॉडी वो राम कारगिरी जी सर का है। आप लोगों को खास धन्यवाद। मैं नीम कुमार गुजारा चश्मा थाना। पीसीसी चीफ भूपेश बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जन उत्तेजित हो गए हैं। कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की मजबूत स्थिति दिखाई देने के कारण आज हमारे नेता भूपेश बघेल को जेल में बंद कर दिया गया है। वहीं मंगलोर ब्लॉक के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने थाना परिसर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह की खूब निंदा कर नारे लगाते और गीत भजन करते दिखे। कांग्रेसी कार्यकर्ता राजेश साहू, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस, जिला पंचायत सदस्य ज्योति ठाकुर सहित 150 कांग्रेसी कार्यकर्ता राजेश साहू, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस, जिला पंचायत सदस्य ज्योति ठाकुर सहित 150 कांग्रेस कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन में भाग लेकर भूपेश बघेल की गिरफ्तारी पर नाराजगी जाहिर करते थाना मंगलोर पहुँचे। बताइए आज की इस मुद्दे को लेकर के आप लोग जेल भरो आंदोलन में है? आज हम लोग सब जेल भरो आंदोलन में है क्योंकि हमारे नेता बघेल जी को, प्रदेश अध्यक्ष बघेल जी को उन्होंने सिर्फ एक झूठे आरोप में जेल में डाल दिया है और हम उनके विरोध में है क्योंकि भाजपा की नीति रीति बहुत ही गलत है। सीडी उनके ही आदमी ने बनाया, सीडी का प्रचार उनके आदमी ने किया, पैसा उनके आदमी ने लिया और सीडी को वितरण भी उनके आदमी ने किया। और सिर्फ अगर सीडी किसी के हाथ में आ जाता है वो दोषी है ऐसा नहीं है, लेकिन भाजपा के शासनकाल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को गिरफ्तार कर लिया गया है और हम सब, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, हमारी जिला कांग्रेस कमेटी सब इस विरोध में है और हम सब आखिरी दम तक अपने नेता के साथ है, भूपेश बघेल जी के साथ है और हम इसीलिए यहाँ जेल भरो आंदोलन में यहाँ उपस्थित हुए हैं। देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का माहौल है, परिवर्तन का माहौल है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के जितने नेता हैं वो डरे हुए हैं। इसलिए सीडी कांड की बहाना लेकर के हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी को ज़बरदस्ती इन लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिनके विरोध में आज प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर लगातार धरना प्रदर्शन के साथ में जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आज ब्लॉक स्तर पर मंगलोर में धरना जेल भरो आंदोलन था, इसके बाद कल धमतरी में जिला स्तर पर जेल भरो का आंदोलन है, उसके बाद जैसे ही जिला और प्रदेश जो कार्यक्रम बनेंगे लगातार इस विषय को हम लोग गाँव गाँव तक घर घर तक पहुँचाएंगे। देखिए वो हर बातों को इसी तरह से वो बोल करके विपक्ष को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। उनको ये बात पता है कि आज पूरी प्रदेश में परिवर्तन का माहौल है, उन लोग आज हर तरीके से विफल होते जा रहे हैं, सरकार कहीं भी
अपने विकास के मुद्दे पे जो चुनाव लड़ने की बात करते हैं, आज कोई भी मुद्दा विकास का मुद्दा नहीं है। आज जनता पूरी मूड बना चुकी है परिवर्तन का। आज पूरे कांग्रेस बहुत अधिक मतों से सीटों से आज विजयी होकर के छत्तीसगढ़ में आने वाली है। इसलिए इन लोग जबरदस्ती हर नेताओं को परेशान करने का काम, गिरफ्तार करने का काम, डराने धमकाने का काम भी कर रहे हैं। यहाँ रुकते हैं छोटे से विराम के लिए। विराम के बाद आप सभी का स्वागत है। चकनंदा देवगांव आजमगढ़ में गांव वालों का कहना है कि यहां ना सरकारी आवास मिला है और ना ही शौचालय मिला है। इसमें प्रधान और सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल रही है, किंतु इसमें प्रधान की भारी लापरवाही हो रही है। हाँ बताइए, आपका नाम? क्या समस्या हो रही है आपको? नाली गली का व्यवस्था कौन सुनवाई नहीं है। शौचालय नहीं मिला आपको? नहीं। कॉलोनी भी नहीं मिला है? कै साल से ये सर? ये 10 साल से। आप बताइए आपका नाम? रेखा। शौचालय उचालय नहीं मिल रहा है? नहीं। प्रधान से कहा आपने? प्रधान से कहा तो प्रधान सुनते नहीं, कहते हैं कि अकेले होगा। अच्छा, गांव रहे तो सुनाई। हाँ बताइए क्या नाम? शिवा। क्या समस्या हो रही है? समस्या यही है कि प्रधान हम लोग की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ना तो शौचालय दे रहे हैं, ना तो कॉलोनी दे रहे हैं, ना तो हम लोग का नाली पास है। और जब उनसे कहते हैं तो बस वो हाँ हाँ कह के रह जाते हैं। हम लोग की बहुत समस्या हो रही है। विद्यालय में मानव अधिकार परिषद द्वारा सोजत तहसील राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय सिंहपुरा में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं ने पेड़ पौधे लगाकर वातावरण को स्वच्छ बनाने का काम किया। मानव अधिकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल दास लश्करी ने बताया कि बढ़ते हुए प्रदूषण को नियंत्रण रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक बार अवश्य पौधा लगाना चाहिए। मानव अधिकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल दास लश्करी द्वारा सभी बच्चों को बॉल पेन वितरण किया गया। मानव अधिकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल दास लश्करी, मजदूर मोर्चा जिला उपाध्यक्ष लाला राम, अल्पसंख्यक जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद अकरम आदि लोग मौजूद थे। आएगा जूम कर दी सर। आवे खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ।